डाउन। अच्छा अब ये देखिए, एक लड़की थी मधु, ठीक है, वो पढ़ने जाती थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक था, पर जाने से पहले वो 20 रोटियां बना के जाती थी। कितनी रोटियां बना के जाती थी? 20 रोटियां। और उसके घर में थे 5 सदस्य। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। तो आप बता सकते हो एक एक हर सदस्य कितनी कितनी रोटियां खाता था? 4-4। तो 5 सदस्य थे, 4-4। आपको कैसे पता लगा 4 रोटियां खाते थे? शाबाश शाबाश। तो वो आपने क्या किया, आपने इस बताया कि 4-4 रोटियां खाते थे। तो इसको कैसे किया जाता है, यानी हम बांट के, हमें पता लग रहा था कि 20 रोटियां 5 लोगों में बटी थी पूरी पूरी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ जल्दी से 6 लड़कियां आके खड़ी हो जाओ, शाबाश। अच्छा अब एक लड़की और आओ, आप आओगी, कोई भी आ जाओ। अच्छा इधर इधर आओ, इधर आओ। अब ये एक एक, ये बराबर बराबर सब में बांटने, कैसे बांटोगी इसको, एक एक करके बांटती जाओ, जल्दी जल्दी बांटो। शाबाश, जल्दी जल्दी बांटो, थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाए एक दूसरे से। हाँ बट गए, अभी बचे हुए ना तुम्हारे पास, फिर से बांटो। ये क्या कर रही है? बांट रही है। और जब जब ये बांट रही है तो इसके पास जितने पन्ने थे वो कम होते जा रहे हैं, जितने कागज थे उतने कम होते जा रहे हैं। शाबाश। अब तो आपके पास कागज बचे, दिखाओ हाथ, कागज नहीं बचे इसके पास, जितने मैंने इसको दिए थे 18 कागज। शाबाश जाओ, इसको मैंने दिए थे 18 कागज दिए थे, और मैं, लड़कियां कितनी हैं? 6 लड़कियां हैं। तो मैंने इनको बोला, इसको बोला था कि आप बराबर बराबर ये 18 कागज जो है पन्ने, ये 6 लड़कियों में बराबर बराबर बांटो। तो कितने मिले हर एक को, आप दिखाओ कितने कितने मिले हर एक को, 3 दिखाओ सबको, बताओ कितने, 3। अब क्या हुआ, 18 कागज थे, उनको हम जब बांटते हैं, बांटने को कहते हैं भाग देना, जब बांटते। शाबाश, थैंक यू, वहां रख दीजिए पेपर, लाइए चाहिए, पकड़ लीजिए आप पेपर, इनको दे दो पकड़, ये रख लेगी। यानी जब किस आपको बांटना होता है, बांटने को क्या कहते हैं, भाग देना, बांटने को क्या कहते हैं, भाग देना। तो भाग किस तरह दिया जाता है, इधर देखिए, भाग ऐसे देते हैं कि 18 लिया था और 6 था, तो 6 से हमने भाग दिया, हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक उसमें 18 नहीं आ जाता। 6 का पहाड़ा बोलिए, 6 × 3 = 18। कुछ बचा, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो क्या हुआ, 3। और हर बच्ची के पास 3-3 पन्ने थे। तो जब हम बांटते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, भाग दे के बांटते हैं हम, ठीक है, हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब एक चीज बताइए, किसी को पता है कि कबड्डी में कितनी खिलाड़ी होते हैं, एक कितने, एक कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? नहीं, 7 होते हैं खिलाड़ी, ठीक है, 7 है। अब हम इस क्लास में जितने बच्चे हैं हम इनको बांटते हैं कबड्डी टीम में, ठीक है। अब आप लोग, एक बच्चा इधर आके खड़ा होगा, एक बच्चा इधर, खड़े होते जाओ, खड़े होते जाओ, नहीं एक इधर आओ, एक इधर आओ, एक इधर आओ, एक इधर आओ, एक बच्चा इधर खड़ा होगा, एक बच्चा इधर, 4 हो गए, अब इधर 4 आओ, बस बेटा, अब एक उधर आई, एक इधर आओ, कोई बात नहीं, खड़े होने दो बेटा उससे, आओ खड़े हो जाओ, एक इधर आई, 3-4-5, 3-4-5, एक बच्ची इधर आए, एक बच्ची इधर आए, फिर एक बच्ची इधर आए, एक बच्ची इधर आए। तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, और हमें पता है 7
लोगों खिलाड़ियों की टीम होती है कबड्डी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो हमने दो टीम बना ली कबड्डी की। तो क्या हुआ, हमने कक्षा को बांटा, ठीक है। बांटने का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। जाओ शाबाश, वापस चलो, थैंक यू। अब जब भाग देते हैं, अच्छा अब ये बताइए, ये चिन्ह किसका होता है, प्लस का या जोड़ का? ये चिन्ह किसका होता है, घटाने का। ये चिन्ह किसका होता है, गुणा का। और ये चिन्ह होता है भाग का, ठीक है। अच्छा अब अगर आप, जब हम किसी संख्या को किसी से भाग देते हैं, तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, ठीक है। और जो हम जिस संख्या को भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जो हमें उत्तर मिलता है उसको कहते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। जिस संख्या से आप भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। जिस संख्या को भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जो हमें उत्तर मिलता है उसको कहते हैं भागफल, और जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने 24 से को 2 से भाग देना है, ठीक है, तो हमने 2 से 24 को देना है, तो अच्छा अभी रुकिए, हम 6 लेते हैं, ठीक है। 6 के पहाड़े में 24 कब आता है, 6 का 6, 6 दुनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, तो 6 चौक 24 घटाया 0 0। अब इसमें 6 क्या है, 6 भाजक, 6 क्या है, 24 क्या है, भाज्य, 4 क्या है, भागफल, शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, नहीं यहाँ क्या है, 0, ठीक है। अच्छा फिर एक और संख्या लेंगे, 1 बारी 126 को अगर हमें 6 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या करें। अब हमें एक और प्रश्न लेंगे, 126 अभी हमने जो लिया था, हमने सिर्फ दो अंकों का लिया था, 6 चौक 24 हमने कर दिया था, ठीक है। अब हम 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं, तो अगर 3 अंकों की संख्या को हमने फिर 6 से भाग दिया, तो अब क्या हुआ, ये 1 है पहला अंक और ये 6, तो अगर ये अंक जो भाजक का अंक है वो छोटा होता है, भाज्य का भाजक बड़ा है इससे, 6 बड़ा है 1 से, तो 6 1 अकेला तो लड़ नहीं सकता 6 से, वो कहता है साथ वाले से कि तुम भी मेरे साथ आओ, तो अब 1 के साथ 2 आ गया तो क्या बन गए, 12। नहीं यहाँ संख्या देखिए ना, 1 और 2 ये क्या बन गए, 12। तो अब हम लेंगे 12 को, तो 12 6 में कितनी बार गया, 6 कितनी बार गया 12 में, तो 6 दुनी 12 घटाया आया 0। अब ये बचा है 6 यहाँ, अब इसको हम नीचे लाएंगे, 6 को हमने नीचे उतारा, ठीक है। अब 6 में 6 कितनी बार गया, 1 बार, तो 6 एकम 6 घटाया आ गया 0। अब इसमें 6 क्या था, भाजक, 126 भाज्य, भागफल 21 और शेषफल 0, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी किसी शून्य को आप किसी भी संख्या से भाग देंगे, मान शून्य को आप किसी भी संख्या से भाग देंगे, जो उत्तर आएगा वो हमेशा शून्य आएगा। किसी भी संख्या से अगर शून्य को भाग देंगे तो हमेशा उत्तर आपका शून्य आएगा, ठीक है। अब आप एक होमवर्क नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसको आप भाग दीजिए, तो दूसरी संख्या देती हूँ।
छोटा प्रश्न देती हूँ मैं, 24 को आप 2 से भाग दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।